हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इनटू कोस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इनटू कोस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बी सी जी एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज 4। ऑप्शन आर ए। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड करना है। कहां पर लिमिट है हमारी, माइनस फोर से माइनस माइनस फाइव बाई फोर से पाई बाई फोर की वन है। पहले हम क्या करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग ऑफ बेस कितना है ई है इसका 2 माइनस एक्स कोस एक्स और अपॉन में आ जाएगा हमारा 2 प्लस एक्स कोस एक्स। ये क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा। तो दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू, लेट करेंगे इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर लॉग ऑफ बेस कितना है इसका ई है 2 माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें हम क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज कर देते हैं, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का हमारा ए टू बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। यानी कि एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करेंगे और एक्स को सेपरेट कर देंगे। तो फाइनली आ जाएगा आई इज इक्वल टू, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो फाइनली आएगा हमारे पास लिमिट है माइनस फाइव बाई फोर से पाई बाई फोर लॉग बेस कितना है इसका e है 2 माइनस x को रिप्लेस करेंगे पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर। तो ये कितना हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, पाई बाई फोर प्लस सॉरी माइनस पाई बाई फोर कैंसल आउट हो गया, तो माइनस का कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो ये कितना आएगा, माइनस x आएगा और इंटू में कोस माइनस x, डिनोमिनेटर में आएगा 2 प्लस माइनस x और इंटू कोस माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फाइनली हो जाएगा लिमिट है हमारी माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स कोस एक्स आएगा और अपॉन में 2 माइनस एक्स कोस एक्स आएगा इंटू डी एक्स। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। 1 एंड 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, आई और आई तो हो जाएगा 2i, दोनों की लिमिट सेम है, तो माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर एंड लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कोस एक्स और प्लस का आएगा हमारे पास लॉग 2 प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स कोस एक्स। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली यूज करेंगे, लॉग ए प्लस लॉग भी हमारा क्या होता है, लॉग ए इंटू लॉग भी होता है और इंटू में आ जाएगा हमारा ये लॉग के अंदर ही इंटू 2 प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स कोस एक्स और इंटू डी एक्स। तो 2 माइनस एक्स कोस कैंसल आउट हो गया, 2 प्लस एक्स कोस एक्स भी कैंसल आउट हो गया, कितना बचा लॉग अपन, लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो फाइनली ये जो इंटीग्रेशन आएगा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो इंटीग्रल आई इज इक्वल कितना आएगा, 0 के इक्वल। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी होगा, बिकॉज लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग वन बेस ई भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। होप यू स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू।